फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। तभी मॉर्निंग का बज रहा था, 10:30 हो रहा था और मैं मानवी को स्कूल छोड़ने गई थी। मानवी को स्कूल छोड़ने के बाद बस मैं आ गई थी मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी आइटम लेना था। तो यहाँ सामने में है रिलायंस स्टोर, तो अभी मैं चलती हूँ रिलायंस स्टोर के अंदर और इसमें से जो जो हमारी ज़रूरतें की चीज़ें होंगी उसे मैं ले लेती हूँ। क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम ना पूरा खाली रहता है, बिल्कुल भीड़ नहीं दिखता और हम आसानी से अपना जो भी सामान होता है वो ढूंढ के ले लेते हैं और बिलिंग कराने में भी जल्दी हो जाता है। वरना जब शाम के इवनिंग टाइम में आओ ना तो इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ होती है ना, हमें बिलिंग कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस चक्कर में मैं मेरे घर के जस्ट 2 मिनट के दूरी पर है रिलायंस, लेकिन मैं आती नहीं हूँ कभी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो जो हमें ज़रूरतें की चीज़ थी वो सब मैं यहाँ से लेके बस बाहर निकलती हूँ बिलिंग करा के। तो गाइज अभी रिलायंस से निकले, सामान से जो था सब ले लिए हैं और आ गए इधर सामने को लेने, क्योंकि बारिश बार बार परेशान कर रखा है आज। अभी भी चालू है कंटिन्यू, इतना बार कौन गीला होगा। तो सानवी के एग्जाम ख़त्म हो गया था ना सानवी, कैसे स्कॉट उस्कॉट खोल कर कर ली। नहीं दीदी को स्कूल छोड़ के आया ना अभी, जैसे यहाँ लेके पहुँचे जोर का कितना बारिश आ गया। उतरो 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 उतरो, बहुत तेज का बारिश है, तुम मत जाओ भिंग जाओगी। इतना तेज का आ गया, फंस के भींग गया ना हम लोग थोड़ा दूर के लिए, पूरा भींग के गया ना सत्य। तो अभी दोपहर का टाइम था, 12 बज रहा था और पति देव ने कुछ ऑर्डर कर रखे थे। तो फिर पार्सल वाला का फ़ोन आता है तो मेरे एकदम बिल्कुल सीढ़ी पर जाने का इच्छा नहीं हो रहा था। तो मैं सानवी को बोली, सानवी बेटा जाओ आप लेके आओ। तो सानवी नीचे चली गई है पार्सल लेने के लिए और सानवी वहाँ से पार्सल लेके आती है, मम्मा इसमें क्या है। मैं बोली कि बेटा मुझे भी पता नहीं है। और इधर ट्रेन आ चुका है स्कूल से अपने मामा जी के साथ, ट्रेन भी बारिश में स्कूल में फंसा हुआ। श्रेयन मंगाए हैं कुछ, चलिए चलिए भागिए, बारिश हो रहा है, वो पिचिर पिचिर मन कर रहा है इसमें। सानवी को दौड़ा दिए थे आज, मानवी को स्कूल से लेके आ गए हैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल। मानवी या सानवी इतना बदमाश है दोनों, पीछे घूमो जो देखिए, नए नया बैग सब रखा था, सबका बर्थडे है, गिफ्ट मिल जाएगा तो इसे पटाख से निकाल के यूज कर ली दोनों। तो अभी चलते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर और आज शॉपिंग करेंगे। मानवी यूनिफॉर्म में जा रही है, पता नहीं जाने देगा कि नहीं जाने देगा। चलते हैं इसके अंदर, आज खाली शॉपिंग शॉपिंग करना है हमको पति देव को छोड़ के ना। अरे कौन सा है लड़का का, मानवी यही वाला बैग चूज कर रही है गिफ्ट। चला जाए, सानू को छोड़ के आए हैं, चलो आ जल्दी आप बिलिंग कराएं। बस शॉपिंग मॉल के अंदर बस हम लोग का बिलिंग कराने के लिए अब जा रही थी और देखते हैं जो लेना था वो तो पसंद आया नहीं आया, देखते हैं आगे। फाइनली गाइज हमारा और मानवी का शॉपिंग वगैरह यहाँ से हो गया, चलेंगे हम लोग फटाक से रूम में क्योंकि सानवी को छोड़ के आए हैं और बारिश तो हद ही मचा रखा है। इसलिए आज मैं स्कूटी में दो दो रेनकोट लेके टहल रही हूँ, फेस भी बारिश से भीग भीग के काला पड़ गया। तो चलिए चलते हैं फटाक से पहले रूम में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात हो चुका है, रात का बज चुका है 8 और हम लोग हो चुके हैं पार्टी में जाने के लिए रेडी, लेकिन बारिश भी वैसा ही रेडी कर रखा है। बारिश तो आज बिल्कुल नहीं छूट रहा, आप देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। इधर हमारी क्यूटी पाई भी रेडी हो रखी है और मैं बस सूट ही पहन ली हूँ क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रहा है, बारिश की वजह से ड्रेस नहीं पहनी हूँ। सब ऐसे सिंपल लुक में रेडी हुए हैं क्योंकि बर्थडे तो आप लोग को वहाँ जाने के बाद पता चलेगा बर्थडे का सस्पेंस। हेलो और जोर से आ गए इतनी बार बार बारिश आ रही है, हमारे रूम में पूरा पानी पानी हो रखा है। ये एसी का जो हॉल किया है ना इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पूरा घर में पानी आते रहता है। तो बाकी अब रेडी हो रखे, बारिश तो हो रही है झमाझम वाली, अब देखते हैं इसे कैसे जाते हैं पर क्या होता है, जा पाते कि नहीं पता नहीं, आगे मर्जी प्रभु श्री राम की। सानवी कैसे जाया जाएगा, बस कम गया आप आराम से पहले खराब, ये नहीं हुआ है कम,
हो गया, चलिए ये तो बारंबार आ रहा है, बारंबार। आप नहीं जाइए, हम जाते हैं, आते हैं गिफ्ट दे के। नहीं, नहीं। जाएंगे? हाँ क्यों जाएंगे आप? हम जाएंगे। नहीं बेटा, अभी झिपझिप झिपझिप हो रही आ रहा है, झिपिर झिपिर बारिश हो ही रहा है, अभी अभी तो तुरंत छूटा है, कम नहीं दो ना तो। मानवी क्या चल रहा है बेटी? गिफ्ट को पकड़ के मानवी ऐसे देखिए, मानवी इधर देखो थोड़ा सा, गिफ्ट पकड़ के एकदम से कर रही हो, मोबाइल देखने में लगी पड़ी हो। आज तो कपड़ा और नहीं सूखेगा एक भी सारा, ही तो सुबह से एक रखा है, हम धोए से भी ऐसे ही पड़ा है। हमें तो हस्बैंड ही खरीद के दिया। तो कब देंगे? अब तो केक तुम काट लिया मेरे आने से पहले। कब काटता हूँ मैं? हाँ नहीं काटता हूँ अभी। अभी नहीं काटे हो? ठीक है तो रहने दो, केक नहीं काटा है तो बाद में देना, छोड़ दो। आंटी कहाँ है? तो यहाँ पर हम बर्थडे भाभी जी के घर पहुँच गए थे और मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी और पति देव यहाँ पर बैठे थे शांति मोड में, तो उनको लगा के भी मैं खरीद ली थी, जो कि गाना है दहेज लेके किलने वाली तोहड़ों के सजनमा। तो चलिए एंजॉय कीजिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ इसे करते रहती है खेला वेला, कहाँ भाग गई है? पता नहीं यहाँ हीरे दादा रियांश का बर्थडे उड़े मना दिए हैं। मम्मी ये काटेगी? ए रियांश केक नहीं काटेगा? हाँ तो काटो ना, दीजिए ना तो फिर चिल्लाएगा। काटो काटो हैप्पी बर्थडे टू यू। हम फोटो नहीं खींचते। ऋचा गाना बजा दिया, हंसी आ रहा है उसको भी, अभी हंसी आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रियांश, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। देखो फिर दोबारा दिन गाना हो गया ना तुम्हारा। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक बार। दुआएं दे रहा दिल, फिर राधित की मम्मी अभी राधित कुछ टोन टान देती है। तुझको आज के दिन आई विश यू हैप्पी। अरे बाप रे हाथ गंदा हो गया, सानवी पोछ लो, हाथ धो लो। अस्सी नब्बे पूरे गोल। सानवी तुमको नहीं लेना, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ तो गिर जाओगी। जेठानी जी आई हैं और जेठानी वाला जेठानी वाला पोज उतारी है, बैठ के बेलना शुरू की है। सूट पहने लू तो गोरी चकास लागे लू, साड़ी पहने लू तो गोरी बकवास लागे लू। का दी कहाँ से तेल दी? तेल लप जेठानी जी यहाँ पर साड़ी दिखा रही हैं। कौन साड़ी है जी? देखिए और गेंजा टाइप का लग रहा है, और गेंजा टाइप का लग रहा है। ये टेबल खाली हो गया जी। नाइटी में तो रहता ही है। का है उसे तो का हो जाएगा। भगवान बौड़ा गई आंटी, बौड़ा ना सो हम गाने के बाद कौन सी गा रहे हैं आप?
हम कहीं अनार करके लोग बैठा है आज हम लोग फोटो वोटो फोटो भी नहीं खिंचाए को वो मिठाई कहाँ छोड़ी है गिलास में रख लीजिए सुबह उठेगा तो नाश्ता खा लेंगे वही ना गांव में लोग करता है ना भोज खाने जाता है तो पार्टी में से लास्ट में उठा लोग रखवा लेगा लेके चल जाएगा रियांश को टॉफी खाने के लिए हमें तो बड़ा सुंदर लग रहा है हम तीनों एक फोटो खींचा लेते हैं जेठानी जी खाए हैं सखाए हैं मोटरियो बांध लिए हैं मतलब खाए से खाए मोटरिया लेके जाए हम चप्पल मत दूर बड़ा नहीं खेलाऊ कत हे अदिति हमारा नहीं खेलाऊ कत अदिति भोजपुरी बोलती हो कि नहीं अरे छोटा यहाँ पे बर्थडे एक दिन पहले मन चुका था और हम लोग पार्टी मतलब भोजन भात जो होता वो एक दिन बाद हुआ था क्योंकि 25 तारीख को बर्थडे के दिन उनकी मम्मी का जितिया का व्रत था तो इसलिए उस दिन नहीं मनाया गया और 26 तारीख को पार्टी किया गया था तो बस सब कुछ खाना पीना हो गया था ख़त्म। अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी कब हो रहा है कब बंद हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है बारिश की वजह से देख रहे हो सारे मतलब जो भी होते हैं छोटे छोटे गड्ढे हत्ता पोखरा जो भी वो ओवर फुल होकर पूरा रोड में पानी आ चुका था और हम लोग चार लोग थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी देख सकते हो यहाँ पे रास्ता पे इतना ज़्यादा पानी हो रखा है। फिर बस यहाँ से हम लोग का सफ़र तय करते हुए बस अब घर के पास पहुँचने ही वाले थे क्योंकि यहाँ पास में ही हमारी घर है और यहाँ सामने जो पोखरा दिख रहा है वो एकदम पूरा पानी से पटर पटा और बेंग टर टर किए पड़ा था। तो चलिए पहुँच चुके हैं हम लोग अपने रूम में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पार्टी से आ गए रात के बज गए 10:45 खाना पीना सब करके अब चलते हैं फटाफट बिछावन तो मैं अपना करके गई थी बस मानवी का बेड लगेगा फिर सब सोएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर कर दे रहे हैं एंड फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन बटन प्रेस करिए। बाय 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 बाय।